सुरसंगम वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं सुरसंगम वीडियो आपके मोबाइल पर सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का भजन प्रसंग उस समय का है जब मां सीता को यानी जानकी जी को रावण चुरा करके लेके और अपने लंका में चला जाता है। युद्ध हो रहा होता है, रावण का बेटा मारा जाता है, उसकी लंका जला दी जाती है, लेकिन फिर भी वो मां सीता को लौटाने के लिए तैयार नहीं है। तो उस समय रावण को उनकी पत्नी मंदोदरी कहती है कि आप मां जानकी को लौटा दीजिए, सीता जी को लौटा दीजिए। तो रावण कहता है कि नहीं, जानकी जानकी मैं ना दूं जानकी, मैंने बाजी लगाई है जानकी। तो इसमें जानकी जो शब्द है उसका कई जगह बार बार रिपीट हुआ है, तो आप उस चीज को समझना कि एक तो जानकी मां सीता है और एक जानकी मतलब अपने जान की, अपने जीवन की। तो चलिए, आपने एक भजन पहले भी देखा होगा, एक डोली चली एक अर्थी चली, आप उस भजन को भी देखें। सेम टू सेम पैटर्न है, सिर्फ दो पैटर्न इसके अंदर हैं, वो हमको तैयार करने हैं। शुरुआत मैं यहां से कर रहा हूं, तो ये सा है, ये वे है, ये एफ शार्प से है, या मैं कहूं कि तीसरी काली। एफ शार्प सारे दा कोमल का यूज करेंगे, फिर मा है, मा तीव्र भी इसमें यूज होगा, अंतरा में पा था, इतने में काम हो जाता है अपना। और फिर उसके बाद में हम नीचे आएंगे, तो ये नी धा पा, नीचे पा तक और ऊपर धा तक। तो शुरुआत यहां से है, जाने जानकी 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 पहली लाइन में, जाने की जाने की जाने मैं ना दूं जानकी, तो ये मां सीता के लिए यूज हुआ है। मैंने बाजी लगाई है जानकी, तो बाजी जानकी मतलब अपने प्राणों की, ठीक है, वो चीज है। ओ जाने की जाने की देखो, जाने की जाने की सापा मगरे मगा करे सारे सासा निधा निधा पानी सागरे सा। स्लो, जाने की जा
पापा मैंने बाजी लगाई, बाधानी है जानकी की, बाधानी सागरे सा। बिल्कुल स्लो में आप देखें, जाने देखना, हम मां तीव्र का यूज करेंगे एक बार, उसके बाद में फिर हम मां शुद्ध का यूज करेंगे। ओ मुझको परिवार ही अपनी जानकी, मुझको परिवार ही, ये तीन बटन में हुआ, मुझको परिवार ही से कह रहे हैं रावण, तेरा बेटा जला मेरी लंका जली, अब ना वापस करूंगा मैं जानकी। तो कुल मिला के दो पैटर्न है बॉस, बहुत आसान है, और अगली अंतरा में देखता हूं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेरे महलों ये दो बार है, ये प्यारी चीज है और बहुत ही अच्छा प्रसंग है। आप इसको तैयार करें दोस्तों, और हाँ लाइक जरूर करें अगर आपको अच्छा लगे, सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो प्लीज प्लीज आप सब्सक्राइब करें। और दोस्तों बस आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, ताकत मिलती है, क्योंकि इतने लाइक्स आए हैं तो मुझे खुशी होती है ना। आप भी जानते हैं अगर आप कोई थोड़ा सा काम करें और कोई लोग उसको अप्रिशिएट करता है तो आपको अच्छा लगता है, चलो हम और अच्छे से सुधार करके करेंगे। तो आप इतना करें प्लीज, और जहां भी जिससे भी मिलें दोस्तों स्माइल के साथ। धन्यवाद।